7 मई 2020 त्रिविध पूरन चंद मास। पूरन माने पूरा कंप्लीट, चंद माने चांद और मास माने महीना। पाली में पूरन चंद बोलते हैं, पूरन चंद मास या पूर्णिमा बोलते हैं, पूनम भी बोलते हैं। और पूर्णिमा संस्कृत भाषा में, क्योंकि आधार है तो पाली में होता नहीं, तो शुद्ध पाली के अंदर इसको पूरन चंद मास बोलते हैं या पूनम का मास बोलते हैं। खास बात यह है कि भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तो उस दिन भी पूरन चंद मास था, जो दिन में पैदा हुए। और जब उन्हें पहले पहर में रात में ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल की उम्र में, तब भी पूरन चंद मास था। ये दोनों घटनाएं प्राकृतिक थी, अपने आप थी, इसमें बुद्ध का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि उससे पहले वो बच्चे थे या सिद्धार्थ गौतम थे। मगर जब उन्हें एक परम ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से रूप की और नाम की। रूप बोलते हैं पूरे शरीर को, हार्डवेयर को, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है या किसी फोन का हार्डवेयर होता है, सारे उपकरण उसमें होते हैं। और नाम बोलते हैं उसके सॉफ्टवेयर को, जैसे मन हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, जिनको कैंडी, सैंडविच, विच, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, iOS, बहुत सारे नामों से डेवलप करके बोलते हैं। उनके वर्जन होते हैं, ऐसे ही हमारे जीने के वर्जन भी होते हैं, एक वर्जन, दो वर्जन, हमारे तो करोड़ों वर्जन है, क्योंकि हम तो बहुत एडवांस सिस्टम है, एडवांस हार्डवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर है। बुद्ध की दो बातें प्राकृतिक हैं, उनका ज्ञान और उनका जन्म। मगर उनकी जो मृत्यु है वो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि मृत्यु को उन्होंने अपनी फाइल को होल्ड कर दिया था। जब उन्होंने अपने पूरे शरीर को देखा, सारी फाइलें चेक की, एक एक चीज उन्होंने चेक की, अणु और परमाणु को चेक करके, और उस रात यानी जो वैशाख पूर्णिमा 7 तारीख को आ रही है, इसी रात को ऐसा ही समझे, तो उन्होंने अणु और परमाणु के तरंगों के बीच में की स्थिति भी देखी, जहां सब कुछ शांत था, और वहां से वो वापस भी आए। आने के बाद उन्होंने अपने सब देखे कि दुख कैसे शरीर में काम करता है, दुख की तरंगें कैसे काम करती हैं। क्योंकि किसी ने अगर मुझे गाली दी तो भी मुझे तरंगें आती हैं, किसी ने अगर मुझे बहुत अच्छा कहा तो भी मुझे तरंगें आती हैं, उसने मुझे छुआ नहीं, डंडा नहीं मारा, मगर जैसे उसने मुझे गाली दी तो मेरे शरीर पर अलग तरह का प्रभाव पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे एनर्जी हो गई, गुस्सा आ गया, शरीर कांपने लगा, या मैंने गाली दी या कुछ हुआ, और जैसे उसने मेरी तारीफ की वैसे ही मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा सा आया, बड़ी ऐसा लगा बार बार कहे। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये उन्होंने बहुत सूक्ष्म तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरंगों के रूप में इसको देखा कि ये कैसे वर्क करती है, क्योंकि ये तो मटेरियल पे एक्ट कर रही है। वो देखते हैं कि तो शरीर पे एक्ट हो रहा है, तो शरीर पे कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे क्रियान्वयन होता है, कैसे ये काम करता है। तो उन्होंने देखते देखते अपनी सारी फाइलें चेक की, तो अपनी मृत्यु की फाइल को होल्ड कर दिया, यानी अब मृत्यु की फाइल वो खोलेंगे तो मृत्यु होगी, अदरवाइज वो फाइल एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो उन्होंने मरने से पहले यानी वैशाख पूर्णिमा से 3 महीने पहले अपनी फाइल को एक्टिवेट किया, और उन्होंने कहा कि मैं वैशाख पूर्णिमा के 3रे पहर में 4थे पहर में मर जाऊंगा, अपना शरीर छोड़ दूंगा, अपना सॉफ्टवेयर का जो पूरा प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट कर दूंगा, और मेरे सॉफ्टवेयर से कोई फाइल भी अब बाहर नहीं जा पाएगी, तो मेरा कोई नेक्स्ट बर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी फाइलें डिलीट कर दी हैं ऑलरेडी। कौन सी फाइलें डिलीट कर दी हैं, जो हम कंप्यूटर में कोई बनाते हैं या स्टोर करते हैं, कोई हमने काम किया तो वो फाइल हमने स्टोर कर दी, कोई काम हमने बाहर से लिया तो वो फाइल स्टोर कर दी, वो फाइल हमने कहीं वाईफाई के थ्रू भेज दी, फिर वहाँ से रिसीव कर ली। तो उन्होंने कहा कि मेरी हार्ड डिस्क पूरी अब खाली हो गई है, इसमें कोई फाइल कहीं भेजने के लिए है ही नहीं। जब ये फाइल ही कहीं भेजने के लिए नहीं है तो कहीं किसी कंप्यूटर में एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो आगे क्रियान्वयन होगी नहीं, और कोई एक्टिवेट नहीं होगी तो मैं पैदा भी नहीं होऊंगा। ये सिंपल सा सिद्धांत उन्होंने बताया, क्योंकि अगर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, फाइल नहीं होगी, तो कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। आप किसी भी कंप्यूटर से सारी फाइल उड़ा दीजिए, फिर वो कंप्यूटर डेड हो जाएगा, बेशक उसमें कितनी स्क्रीन चमकती रहे, कितनी बिजली आती रहे, वो बेकार है। ये सिद्धांत आज हम समझने में बहुत आसान है, मगर उस समय 2500 साल पहले ये सिद्धांत वो सिखाते थे और बताते थे, और लोग इसको समझते थे। कमाल की बात ये रही है, वही, क्योंकि इसी बुद्ध पूर्णिमा को उन्होंने तीनों काम किए। इसको वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं, बुद्ध की पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णमासी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो जन्मदाता थे, और जिन्होंने मनोचिकित्सा को सबसे ज्यादा दुनिया में पहली बार बताया, और जिन्होंने बताया कि माइंड कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, उन व्यक्ति का जन्म या उन व्यक्ति की निर्वाण प्राप्त या उनका बोधि ज्ञान प्राप्त, तीनों दिन एक ही है। ये खुशी का बहुत ज्यादा अवसर है, इसमें दुख का नहीं है, क्योंकि बुद्ध का निर्वाण प्राप्त होना बहुत खुशी की बात है। किसी को निर्वाण ऐसा नहीं मिलता, निर्वाण अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाण प्राप्त होने के तो भोज होते हैं, इसको मच्छु भोज बोलते हैं। मच्छु भोज का मतलब है कि मृत्यु से अमर हो गया, अब वो मरेगा नहीं, तो आओ इस खुशी में भोज करते हैं।
बाद में इस मच्छु भोज को मृत्यु भोज को लोगों ने साधारण मृत्यु पर भी देना शुरू कर दिया। जबकि अर्हत होने पे खुशी में लोग इसको भोज को क्या करते थे कि मेरे चाचा अर्हत हो गए, मेरे ताऊ अर्हत हो गए, मेरे पिताजी अर्हत हो गए, मेरे दादा अर्हत हो गए, मेरी दादी अर्हत हो गई, मेरी दादा अमर हो गए, मच्छु से अलग हो गए। इस खुशी में गाँव में खाना होता था पूरे पूरे गाँव को। अभी तो साधारण कोई मरा नहीं, जबरदस्ती उससे खाना खिला लेते हैं। तो इस पूरन चंद मास पे ये तो आते रहते हैं हर साल, और आप सब लोग इसको सीखें, इसको जानें, इसको पहचानें। खासतौर से जो पंचशील पूरे धर्म की जान है, पूरे पूरा धर्म एक तरफ है और पंचशील एक तरफ है, पंचशील का अभ्यास करें, उसकी प्रैक्टिस करें। मैंने पांच सील का वीडियो बनाया हुआ है, आप पांचों सीलों का वीडियो कम से कम इस पूर्णमासी को जरूर देख लें। टीम 22 पे अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड है, कॉपी राइट फ्री है। आप अपने टीवी पे चलाएं, आप लोड कर लें, आप अपने फेसबुक पे चलाएं, आप अपने यूट्यूब पे लोड कर लें, आप अपने नाम से कर लें, आप उसकी ऑडियो निकाल लें, आप उसकी वीडियो निकाल लें, कट पेस्ट कर लें, लिख के किताब लिखें, सारा कॉपीराइट फ्री है। क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान बुद्ध का है, हम तो सरल भाषा में बताते हैं। आप सबको त्रिविध पूरन चंद मास की, बुद्ध पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आपका मंगल हो, बी हैप्पी। सारा संसार महामारी से जल्दी मुक्त हो जाए, हम पहले जैसे हो जाएं, पृथ्वी पहले जैसी हो जाए, संसार पहले जैसा हो जाए, भगवान बुद्ध के समय की सुखमय तरंगें चारों तरफ आ जाएं, सबको सुख और शांति मिले, दुनिया में जितने भी खराब लोग हैं, पापी लोग हैं, उन सबका सुधार हो जाए। उनके साथ मंगल कामना है कि उन सबका जीवन बदल जाए। धन्यवाद। Time.